गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को एक नया चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आप किस श्रेणी को कहेंगे, किस सीरीज को कहेंगे? ऐसा सिस्टम कि जिसमें कोई भी नंबर्स लिखे हो, ऐसे इस टाइप के लिखे हो, इस सिस्टमेटिक वे में लिखे हो कि हर प्रीसीडिंग टर्म यानी हर अगला टर्म एक फिक्स्ड नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिल रहा हो, यानी हर नंबर्स के बीच वही रिलेशन हो जो पहले दूसरे नंबर के बीच में हो, वही दूसरे तीसरे नंबर के बीच में हो, वही तीसरे और चौथे नंबर के बीच में हो। तो ऐसी सीरीज जो फिक्स्ड नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको अगला टर्म मिल जाए तो वो सीरीज आपकी क्या कही जाएगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेगी। पेज नंबर 95 में आपका डेफिनेशन है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेनिंग बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म्स। पहले टर्म में आप कोई भी फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं, फिक्स नंबर ध्यान रहे, फिक्स नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते चले जाएं, तो हमें सीरीज जो प्राप्त होगी वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की होगी। हमने इस डेफिनेशन को अपने लैंग्वेज में लिखा है, इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम देन गिवन सीरीज इज कॉल्ड एन एपी। अगर किसी सीरीज का कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो सीरीज एपी में कही जाएगी। जैसे कि हमने जो एग्जाम्पल लिखा 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, यहां पर आप देख रहे हैं कि हर प्रीसीडिंग टर्म एक फिक्स नंबर ऐड होने पर मिल रहा है। 2 में 2 ऐड जोड़िए तो 4, 4 में 2 जोड़िए तो 6, 6 में 2 जोड़िए तो 8, यानी हर प्रीसीडिंग टर्म जो अगला टर्म मिल रहा है वो एक सिस्टम के तहत लिखा गया है और उस सिस्टम में प्लस 2 ऐड करने पर हर आपको अगली जो है अगला टर्म प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो सीरीज क्या कही जाएगी? एपी में कही जाएगी। उसका जनरल फार्मूला आप देख सकते हैं, यू कैन सी दैट a a + b a + 2d a + 3d रिप्रेजेंट एन एपी। ये जो सीरीज हमने जनरल फार्मूला लिखा वो रिप्रेजेंट कर रहा है एपी को, जहां पर ए तो फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है। यानी किसी भी टर्म में अगर एक कॉमन डिफरेंस सेम डिफरेंस की डिजिट फिक्स्ड नंबर कहें आप उसे, वो फिक्स्ड नंबर आप ऐड करते चले जाएं तो जो सीरीज प्राप्त होगी वो एपी में कही जाएगी। और यही इसका जनरल टर्म है a a + d a + 2d a + 3। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सीरीज एपी को, जहां पर ए को आप स्मॉल ए को क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म बोलेंगे और स्मॉल डी को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए आप अगले एक्सरसाइज में देखेंगे हर प्रीसीडिंग टर्म से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, यानी a2 - a1 b के बराबर, a3 - a2 b के बराबर, a4 - a3 b के बराबर। ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताई जाएगी। फिलहाल आप यहाँ जनरल फार्मूला देख लें और इस जो है इसमें आपको सिर्फ एपी को पहचानने के लिए फिर रिमाइंड करा दे रहे हैं, एपी को पहचानने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए हर प्रीसीडिंग टर्म का, तो सीरीज क्या कही जाएगी? एपी में कही जाएगी। क्लियर? इसके बाद एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन 5.1, इन विच द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। जो सिचुएशन दिए गए हैं क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है और क्यों है ये आपको बताना है। पहला सिचुएशन क्या दिया है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इसका मतलब हो गया कि एक टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए ₹15 है और हर अगले टर्म जो है किलोमीटर पर ₹8 जुड़ता चला जाएगा, तो क्या ये सिचुएशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है? आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
पहले किलोमीटर के लिए ₹15, दूसरे किलोमीटर के लिए ₹8 जुड़ जाएगा, तीसरे किलोमीटर में ₹8 और जुड़ जाएगा, चौथे किलोमीटर में ₹8 और जुड़ जाएगा। तो फर्स्ट किलोमीटर का किराया तो ₹15, सेकंड किलोमीटर अगर जाएंगे तो 23, और थर्ड किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो 31, और चौथे किलोमीटर के लिए किराया 39 होगा। और इस प्रकार आपने देखा कि पहले दूसरे तीसरे चौथे किलोमीटर का किराया ₹15, ₹23, ₹21, ₹39, और आप देख रहे हैं कि हर टर्म में +1 ऐड करने पर अगला टर्म मिल रहा है, यानी फिक्स नंबर ऐड करने पर हर प्रीसीडिंग टर्म की वैल्यू मिल रही है। इसलिए ये सीरीज, ये सिचुएशन एपी में कही जाएगी, और ये अभी क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है और ये सीरीज एपी में होगी। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम आपको कल बताएंगे।